हुडकेश्वर पुलिस थाना अंतर्गत बीती रात गाड़ी को कट लगने जैसी छोटी सी बात को लेकर हत्या करने का मामला सामने आया है। हुडकेश्वर पुराना नाका स्थित कैनरा बैंक के पास ये घटना हुई है। इस घटना में मृतक जितेंद्र विकास चोपड़े की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक जितेंद्र अपने दो दोस्तों के साथ त्रिमूर्ति ढाबा आउटर रिंग रोड से खाना खाकर घर जाने एक्टिवा से निकला। करीब रात के 9 बजे जूना हुडकेश्वर नागा के कैनरा बैंक के पास आरोपी विजय उग्रेजा बगल की गली से अपने बाइक से आया और अचानक गाड़ी रास्ते में रोक दी। ऐसे में गाड़ियों की कट लग गई। उसी बात को लेकर मृतक जितेंद्र ने अपनी एक्टिवा साइड में खड़ी कर आरोपी विजय के साथ गाली गलौज की। इसी बात को लेकर आरोपी विजय ने अपनी गाड़ी के किचन को लगे चाकू से मृतक जितेंद्र के पेट पर और छाती पर वार किया। इन दोनों के बीच का झगड़ा समझाने के लिए जितेंद्र के दोस्त प्रकाश ने भी बीच बचाव किया, लेकिन उसके भी पीठ और पेट के ऊपर चाकू से वार कर जख्मी कर दिया गया। आरोपी वहां से भागकर अपने दो भाइयों को लेकर आया। उसके दो भाइयों ने भी मृतक जितेंद्र और प्रकाश को छोड़कर वहां से फरार हो गए। कुछ देर बाद वहां पुलिस आई। पुलिस ने दोनों को गाड़ी में डालकर मेडिकल अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान जितेंद्र विकास चोपड़े की मृत्यु हो गई। गाडीला कट मारण्यासारख्या अतिशय क्षुल्लक अशा घटनेतून हुडकेश्वर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत हुडकेश्वरचा जुना नाका कॅनरा बँकेच्या समोर काल खून करण्यासारखी एक गंभीर घटना घडलेली आहे। या घटनेमध्ये मयत जितेंद्र विकास चोपडे आणि प्रकाश राजेश तिवारी हे धाब्यावर जेवण करून परत येत असताना त्यांना यातील आरोपी विजय उग्रेच्या याच्या गाडीचा कट त्यांना लागला आणि दोघांमध्ये कट लागल्यामुळं शिवी गाडी आणि वादाचं पर्यायवसान म्हणून विजय उग्रेच्या याने त्याच्या किचनमध्ये जो असलेला चाकू होता त्या चाकूने एक वार जितेंद्र विकास चोपडे याच्या छातीवर केला आणि तो वार नेमका त्याच्या हृदयावर लागल्यामुळे एकाच वारमध्ये येथील जितेंद्र विकास चोपडे याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झालेला आहे। सदर घटनेमुळं हुडकेश्वर पोलीस स्टेशन या ठिकाणी जितेंद्र विकास चोपडे याचा खून केल्यामुळे विजय उग्रेचा आणि त्याला सहाय्य करण्यासाठी आलेले त्याचे दोन भाऊ रोहित व रवी उग्रेचा या तिघांवर IPC 302, 324 आणि 34 प्रमाणे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। त्याच्यातील आरोपी जे आहे ते त्यांच्यावर पहिलाच गुन्हा आहे आणि मृतकावरील गुन्ह्याचा रेकॉर्ड बघणं चालू आहे।